अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हम दिन में तकरीबन 2600 मरतबा अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक कोविड के बाद से पाकिस्तानी अवाम तकरीबन 7 घंटे अपना जो है टाइम स्क्रीन के ऊपर गुजारती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए, जिसका असर ना सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ऊपर पड़ रहा है बल्कि हमारी पढ़ाई के ऊपर, हमारी जॉब के ऊपर और हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो क्या है आखिर इसके पीछे की साइंस, क्यों हम जो है सोशल मीडिया ऐप्स के इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है, जिक्र करेंगे आज के इस मुख्तसर सी और अहम वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, जैसे हम दूसरी चीज़ों की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं जैसे अल्कोहल, शराब वगैरह, तो सोशल मीडिया की ऐप्स की एडिक्शन भी हमें हो सकती है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और वो चीज़ हमें वक्त पर ना मिले तो हमें ज़हनी तनाव होने लगता है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, हमें गुस्सा भी आने लगता है। दोस्तों, अगर वो चीज़ हमें सही वक्त पर मिल जाए तो हम उस चीज़ की एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, इस चीज़ को डोपामाइन भी कहा जाता है। क्या है डोपामाइन, सबसे पहले चलिए हम थोड़ा सा डोपामाइन को समझ लेते हैं। दोस्तों, डोपामाइन एक कीमियाई फार्मूला है जो कि बेंजीन के स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होता है, जिसके साइड्स पर 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप्स होते हैं जो कि एथाइल नुमा ग्रुप्स की एक चेन बनाते हैं। दोस्तों, ये हार्मोन सिर्फ हमारी बॉडी में मखसूस टाइम पर मखसूस हार्मोन रिलीज़ होते हैं। अगर हम ऑक्सीटोन हार्मोन्स की बात करें तो ये उस वक्त रिलीज़ होता है जो कि हमारी बॉडी में जब लव की मकदार बढ़ रही होती है, ये दो लोगों के दरमियान रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का बायस भी बनता है। सीरोटोन वो हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के इमोशनली कंट्रोल करता है, जिनके हमारी बॉडी को इमोशनली मेनटेन रखता है, बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी को डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देता। बिल्कुल इसी तरह एक हार्मोन डोपामाइन हार्मोन भी है। डोपामाइन के बारे में पहले ये कहा जाता था कि ये खुशी का बायस बनता है ये हार्मोन, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो खुशी का बायस हार्मोन बनता है उसको एंड्रोफेज कहा जाता है। डोपामाइन एक्चुअली मुतहर्रक एक फाल उस वक्त काम करता है जब हमें किसी चीज़ का रिवार्ड मिलना हो या किसी चीज़ का इनाम मिलने जा रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप घर में सबसे छोटे हैं और अपने पापा को कहते हैं कि रात को आते हुए मेरे लिए चॉकलेट लेते आइएगा, तो दिन भर आप उस चॉकलेट के बारे में सोचते रहेंगे कि रात को आपकी चॉकलेट आएगी, लेकिन अचानक जब आप रात को उनका वेट कर रहे हैं, अचानक उनकी कॉल आती है कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूं, तो उस टाइम ये हार्मोन्स के लेवल का जो है जो बढ़ जाता है। इसका मवाजना आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हार्मोन सिर्फ एक टाइम पर रिलीज होता है, लेकिन उस वक्त की बहुत ज़्यादा जब हम खुशी का इजहार करते हैं, यानी उस चीज़ का जब हमें रिवार्ड मिल जाता है। इसकी मिसाल ऐसे भी ले लीजिए कि अगर आपका एडमिशन किसी मेडिकल कॉलेज में हुआ है या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, तो पहले जितने आप ज़्यादा खुश थे बाकी दिनों में आप उतने ज़्यादा खुश नहीं होंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस डोपामाइन का जो लेवल है वो पहले दिन उतना ज़्यादा नहीं रहता, बल्कि आस्ता आस्ता वो लेवल कम भी होता जाता है। अगर आपके पापा को आप डेली कहेंगे कि मेरे लिए डेली चॉकलेट्स लेकर आएँ, तो आप एक दिन, दो दिन, एक हफ्ते तक तो खुश रह सकते हैं, लेकिन जब आप रेगुलर उस चीज़ के आदि हो जाएंगे तो तब आपको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम सोशल मीडिया की ऐप्स का भी जिक्र करते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह ही काम करती हैं। इसकी मिसाल ऐसे भी ले लीजिए, जब आप किसी अल्कोहलिक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप थोड़ी सी मकदार में उसका इस्तेमाल करते हैं, आपको खुशी मिलती है, लेकिन जब एक टाइम के बाद जब आप अगली बार उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उस खुशी के लेवल तक पहुँचने के लिए या उस रिवार्ड लेवल तक पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो तब जाके डोपामाइन हार्मोन बिल्कुल काम करता है। बिल्कुल इसका ताल्लुक आप सोशल मीडिया की ऐप से भी लगा सकते हैं। जब आप सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक आपकी नोटिफिकेशन बजता है और आप देखते हैं कि आपकी तस्वीर के ऊपर 20 लाइक्स आए हैं, 20 कमेंट्स किए हैं और कुछ लोगों ने जो है आपकी वीडियो को आगे शेयर भी किया, तो आप बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब अगली मरतबा आप कोई तस्वीर पिक्चर अपलोड करते हैं और तो आप ये तवक्को कर रहे होते हैं कि आपकी वीडियो या पिक्चर या उसके ऊपर तब पिछले से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, ज़्यादा लाइक्स आएंगे, तो आपकी वो जो एक्सपेक्टेशंस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, इस चीज़ का डायरेक्ट ताल्लुक भी स्पीडी रिवार्ड के ऊपर भी है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, हमें कि स्पीडी रिवार्ड भी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई मजदूर हैं तो मजदूर को दिन भर काम करना पड़ेगा, काम करने के बाद उसको दिन के आखिर में है जो है उस चीज़ का उसको इनाम मिलेगा। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, तो 2 या 4 पेजेस के बाद आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको थोड़ी सी किताब पढ़नी पड़ेगी, 20-25 पेज पढ़ने पड़ेंगे, फिर जाके वो किताब जो है आपको समझ आएगी। लेकिन इसका ताल्लुक सोशल मीडिया ऐप्स के साथ नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको हर कुछ टाइम के बाद, कुछ मिनट के बाद कुछ इनाम मिल रहे होते हैं। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो वहाँ पे हर 20 मिनट के बाद या हर 15 मिनट के बाद आपको एक नया रिवॉर्ड मिल रहा होता है, जो कि आपकी खुशी का लेवल भी बढ़ा देता है। बिल्कुल इसी तरह ही अगर आपका किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन भी हुआ हो या इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन भी हुआ हो, तो आपकी वो खुशी का लेवल उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना वो पहले दिन था, जो कि मैंने पहले आपको एग्जांपल देके भी समझाया। आप में से यहाँ पे बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये एडिक्शन हमें दूसरी चीज़ों में क्यों नहीं होती, जैसे हमें अच्छा स्टूडेंट बनने में, ज़्यादा पैसे कमाने में, नई जॉब हासिल करने में। तो जिसके इसके पीछे भी साइंस यही है कि वहाँ पर हमें जल्दी स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिलता। ज़ाहिर है जॉब हासिल करने का भी एक पूरा प्रोसीजर है, पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, फिर आप टेस्ट देते हैं, फिर आप इंटरव्यू देते हैं, तब जाके आपकी सिलेक्शन होती है।
अगर आप कैसीनों में भी जाएं तो वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा स्पीडी रिवार्ड्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि स्पीडी रिवार्ड्स मिलने की वजह से आपका इंटरेस्ट कैसीनो लेवल पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन कैसीनो कुछ इसी तरह से ही काम करते हैं कि हर बार कैसीनो वालों का ही फायदा होता है और आपको सिर्फ एक धोखे में जी रहे होते हैं और आपको लगता है कि इसमें मेरी जीत हो रही है और मैं जीत रहा हूँ, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन दोस्तों अगर हम मुवाजन करें सोशल मीडिया ऐप्स के साथ, तो दोस्तों जैसे हम बाकी चीज़ों की बात करें, जैसे मैंने जॉब की बात की या मैंने बुक पढ़ने की बात की, तो इन चीज़ों में हमारी एक्सेस भी शामिल आ जाती है। आपको मालूम हो कि अगर आपने कोई काम करने जाना है, अगर आप स्पोर्ट्स मैन है तो आपको उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको निकर शर्ट पहननी पड़ेगी, फिर जाके ग्राउंड में आप खेलेंगे। इसी तरह अगर आपने जो है किताब पढ़नी है, आप उठेंगे, अपनी पसंदीदा किताब खोलेंगे, थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, तब जाके उसका आपको एक मखसूस टाइम के बाद रिवार्ड मिलेगा। लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनकी एक्सेस बहुत ज़्यादा आसानी से है। आप मिनट में अपना स्मार्टफोन ओपन करते हैं और फ़ौरन से दो तीन टक टक करके अपनी जो है ऐप्स को ओपन कर लेते हैं, तो जिससे अंदाज़ा हो सकता है कि इन चीज़ों की एक्सेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोशल मीडिया ऐप्स का भी अगर हम मुवाजन करें तो कुछ सोशल मीडिया ऐप्स की एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान है। अगर हम टिकटॉक की बात करें तो टिकटॉक पर आपको कोई भी वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ती, जस्ट आपको स्क्रॉल करना पड़ता है और फ़ौरन से अगली वीडियो आ जाती है, और जब एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है तो अगली वीडियो खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन ये सहूलत आपको यूट्यूब के ऊपर नहीं है। यूट्यूब की अगर कोई भी आपको वीडियो देखनी है तो वहाँ जाके आपको वीडियो को सर्च करना पड़ता है, उसको टॉपिक ढूंढना पड़ता है, फिर जाके आप उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग से इस बार पूछा गया कि आपकी इस ऐप बनाने का मेन मकसद क्या था, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी मेन ऐप बनाने का मकसद यही था कि दो लोग आपस में एक दूसरे ताल्लुक रखें, बात करें। लेकिन आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग फेसबुक पर मिलते हैं, बार बार दोस्ती गहरी हो जाती है, वो हकीकत ज़िंदगी में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ वो जो है परमानेंट रिलेशन भी बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों फेसबुक है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से ही तैयार किया गया है। आपको बताता चलूं कि फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो कुछ इसी तरह से ही काम करता है। आप लोगों ने शायद कभी मुवाजना किया हो, शुरू में जब आप फेसबुक इस्तेमाल करते थे तो एक टाइम के बाद आपको अपने दोस्तों की पोस्ट देखने के बाद फेसबुक रुक जाती थी, लेकिन अब उन्होंने इसको इनफिनाइट कर दिया, यानी कि आप फेसबुक को स्क्रॉल करते जाएंगे उसकी कभी भी एंडिंग नहीं होती। फेसबुक के बटन से लेके, उसके स्ट्रक्चर से लेके, इसके अलावा उसकी सेटिंग से लेके, उनके लाइक के कमेंट के जो है उनके कलर से लेके, हर चीज़ को मुकम्मल हमारे जो इंसानी ज़िंदगी को मुकम्मल ऑब्जर्वेशन के साथ सर्च करने के बाद उसको डिसाइड किया गया उनके क्या चीज़ होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उनका मेन मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। और ये आज के दौर में देखा भी गया है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें उसी चीज़ के मुतलका ऐड नज़र आने लग जाते हैं। अगर आप अपने घर में किसी एक चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, किसी एक मखसूस चीज़ के बारे में जिक्र करते हैं, अगर आप अपने घर में कमरा बनवा रहे हैं और वहाँ पर आपने किसी चीज़ का डोर पसंद करना है, तो आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद, एक दो घंटे के बाद आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर जो है उसी डोर से रिलेटेड एड्स नजर आने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम जिक्र करें कि जितनी भी फेसबुक की एडिक्शन लोगों में हो चुकी है या दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिक्र, जो मैं किसी एक मखसूस का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स का हम एडिक्शन हो चुके हैं, तो इन सबको अगर हम इसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इनकी जो है हमें एक्सेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना होगा। इसका आसान तरीकाकार तो यह है कि आप सोशल मीडिया ऐप्स को जो है डिलीट कर दें। कोई जब भी आपको नया अकाउंट या जब भी आपको अपना कोई चीज़ देखनी होगी फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो आपको ये फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पहले इंस्टॉल करनी पड़ेगी, फिर आपको लॉगिन करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे भी ज़्यादा एडिक्ट हैं तो आप इनको प्राइवेट लॉगिन ओपन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हर मरतबा नया जो है पासवर्ड मिलेगा, नया पासवर्ड आप लगाएंगे तब जाके जो है आपकी ऐप्स ओपन होंगी। लेकिन दोस्तों जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं ये ना सिर्फ जो है हमारी शॉपिंग के अंदर हम किरदार करती हैं, हमारी ज़िंदगी के डिसीजन के अंदर भी हम किरदार अदा करती हैं। क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप लेफ्ट विंग से ताल्लुक रखते हैं या राइट विंग से ताल्लुक रखते हैं और आप लेफ्ट विंग वाली एक पिक्चर को लाइक करते हैं, तो आपको आगे आने वाली जितनी भी पोस्ट हैं वो जो है लेफ्ट विंग से ही वाली नज़र आएंगी, उसी से रिलेटेड आपको मवाद नज़र आएगा, क्योंकि लोगों में दरमियान में एक जो है किसी भी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाने में बड़ा किरदार अदा करता है। तो ये थी आज की मुख्तसर सी और अहम वीडियो, उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मिलते हैं फिर अगली किसी वीडियो में।